हाय गाइस, बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान सर की आने वाली फिल्म बॉडीगार्ड 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। क्या स्टार कास्ट रहेगी, कौन से डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं और दोस्तों ये फिल्म कब रिलीज होगी, ये सभी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप भी अगर बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान सर के ट्रू फैन है तो दोस्तों वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सलमान खान अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी फिल्में लेके आने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले फिल्म आने वाली है उस फिल्म का नाम है राधे, जो कि एक्शन और थ्रिल से भरपूर रहेगी। इस फिल्म के अंदर उनके ऑपोजिट हमें दिशा पटानी रोमांस करती नजर आएगी। वही दोस्तों, इस फिल्म के अंदर रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ देखने को मिलेगा। डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्शन दिया है प्रभु देवा ने। और दोस्तों, राधे फिल्म के अंदर हमें एक आइटम सॉन्ग रहेगा जो कि जैकलिन फर्नांडिस करती नजर आएगी। ये फिल्म एक्शन और थ्रिल से भरपूर रहेगी। अगर दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन करें तो ये फिल्म आराम से 200 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी, उससे ज़्यादा 300 भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों, कोविड की वजह से 200 करोड़ कमाए तो भी बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों, ये फिल्म 2021 में थिएटर पर ही रिलीज होगी। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों, अंतिम द फाइनल ट्रूथ फिल्म करने वाले हैं, शायद वो फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो अभी हाल में जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है टाइगर जिंदा है 3। उसके बाद दोस्तों कभी ईद कभी दिवाली करने वाले हैं, और दोस्तों उसके बाद सबसे बड़ी फिल्म रहेगी वो है बॉडीगार्ड 2। जी हाँ दोस्तों, बॉडीगार्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कलेक्शन किया था जो कि 2011 में आई थी। ये एक हिंदी लैंग्वेज की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिस फिल्म की स्टोरी लिखी थी सिद्दीकी ने। और दोस्तों, स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान, करीना कपूर, हेजल कीत, आदित्य पंचोली, चेतन हंसराज, राज बब्बर जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिले थे। फिल्म का सॉन्ग जबरदस्त हिट हुआ था, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का कंटेंट भी दर्शकों को बहुत ही पसंद आया था। इस फिल्म के अंदर सलमान खान करीना कपूर के बॉडीगार्ड बने हुए दिखाई दिए थे और जबरदस्त एक्शन सीन भी थे, डायलॉग भी जबरदस्त थे। अब दोस्तों, कुछ इस तरह के डायलॉग और एक्शन सीन हमें फिर से देखने को मिलेगा। और दोस्तों, बॉडीगार्ड 2 फिल्म के अंदर लीड रोल में हमें सलमान खान के ऑपोजिट पहली बार श्रद्धा कपूर देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के अंदर सलमान खान श्रद्धा कपूर के बॉयफ्रेंड बने हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों, डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले अली अब्बास जफर, जिन्होंने सलमान खान के साथ सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में एक साथ काम किया है। दोस्तों, बजट की बात करें तो बॉडीगार्ड फिल्म एक्शन और रोमांस कॉमेडी से भरपूर रहेगी। ये एक पावर पैक फिल्म रहेगी जो कि मास ऑडियंस को पसंद आती है, कुछ इस तरह की स्टाइलिश एक्शन फिल्म रहने वाली है। हालांकि दोस्तों, इस फिल्म की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन दोस्तों मेकर्स ने इस फिल्म की स्टोरी पर काम चालू कर दिया है, जल्द से जल्द इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करें तो बॉडीगार्ड 2 फिल्म आराम से 300 से 350 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप सलमान खान की राधे, कभी कभी दिवाली, टाइगर जिंदा है 3, अंतिम द फाइनल ट्रूथ और दोस्तों बॉडीगार्ड 2, ये सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे।